आगे बढ़ते हैं। तो अब इस तरह से मतलब अब उसके भाई बहन, उसके मदर फादर सब उसके साथ साथ उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाई एंड सोर एंड गर्व श्रीकिंग श्रीली। अब वो बिल्कुल ये बात भूल चुका था कि वो कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था या उसे उड़ने से बहुत डर लगता था। अब वो अपने आप को क्या कर रहा था, उड़ने में मशगूल हो गया था। सोर एंड गर्व, अब कभी वो गोल गोल घूमता, कभी वो श्रिंकिंग करता यानी फड़फड़ाता और बड़े आसानी से उड़ते जा रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के बिल्कुल नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बड़े आसानी से सीधे सीधे समुद्र के ऊपर से उड़ता गया। फेसिंग स्ट्रेट ओवर आउट ओवर द ओशन, अब वहाँ से समुद्र से उड़ते हुए अब वो ओशन की तरफ पहुँच गया। यानी पहले नदी की तरफ से उड़ते हुए अब ओशन तक, समुद्र तक, महासागर तक वो पहुँच गया। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अब उसने अपने नीचे देखा तो बहुत बड़ी सी नदी थी या बहुत बड़ा सा समुद्र था और वो बहुत बड़े समुद्र के ऊपर से उड़ते जा रहा था। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड ए म्यूजिक, अब इस तरह से थोड़ा सा घूमते घुमाते उसने देखा, अपनी चोंच को इधर उधर घुमाता है और बहुत खुशी में अब कॉड कर रहा है, कॉड यानी आवाज़ कर रहा है खुशी में झूम झूम के। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, अब उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन सब उसके साथ ही वहाँ पे अहेड लैंडेड, यानी कि जो प्लेटू पे वो लोग रुके थे अब वो लोग वहाँ पे सब उतरे। दे वेयर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, अब वो लोग आपस में बातें अपनी भाषा में बातें कर रहे थे और खुशी मना रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द सी ग्रीन, उसने क्या किया, अपने पैरों को नीचे सी यानी समुद्र के पास में खड़े होने की कोशिश की। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, अब उसके जो पैर थे वो पानी में डूब रहे थे। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, अब उसे डर लग रहा था इसलिए उसने अपने पैर को वापस से ऊपर की तरफ लेने के लिए उड़ने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, अब वो बहुत थक चुका था, उसके पर जो हैं भूख के कारण अब उसके पंखों में या उसके परों में जान नहीं थी कि वो ऊँचे उड़ पाता। एग्जॉस्टेड, अब वो पूरी तरह से समझ लो कि थक चुका था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अब ये उसके लिए एकदम अनोखा सा एक्सरसाइज था क्योंकि उसने आज से पहले कभी ये किया नहीं था, तो इस बार उसने इतनी ऊँची उड़ान भरी तो वो बहुत बुरी तरह से थक गया था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर, अब उसने समुद्र में अपनी बॉडी को टच किया, उसे ठंडक मिली। अब उसने बैली को भी टच किया, बैली यानी पेट के नीचे का भाग, और दोनों ही चीज़ें पानी में थोड़ी थोड़ी सी डूब रही थी। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो पानी के ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, अब इस तरह से उसकी फैमिली भी उसके आसपास पानी में तैर रहे थे, सब आपस में बातें कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और वो सब बहुत खुश थे और अपनी चोंच से एक दूसरे को खाने के लिए डॉग फिश दे रहे थे यानी मछली का हिस्सा। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान कंप्लीट कर ली। यानी यहाँ पर बताया गया है कि एक डरपोक जो पक्षी होता है उसने किस तरह से अपनी उड़ान भरी। तो होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।